माय फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हीलिंग प्लस 777 में। आइए देख लेते हैं कैप्रिकॉन राशि के लिए सन 2021 क्या न्यूज लेकर आ रहा है और किस तरह का जाने वाला है। साथ ही साथ देखेंगे आप लोगों का कैरियर, फाइनेंसिस, आप लोगों की लव लाइफ, फैमिली लाइफ, आप लोगों की लाइफ में आपकी स्पिरिचुअलिटी की क्या ग्रोथ हो रही है। सारे महीनों का लेंगे एक आउटलुक, देखेंगे क्या ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं और उनको आप कैसे दूर कर सकते हैं। और लास्ट में लेंगे डिवाइन मैसेजेस। सबसे पहले उसमें देखेंगे हम सन 2020 का, यानी कि ये सन 2020 आप लोगों को क्या सिखा कर गया है और किस तरह का बीता है। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आपको आपके लिए मैसेजेस पसंद आते हैं तो। साथ ही साथ अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अगर आप पर्सनल रीडिंग मुझसे करवाना चाहते हैं तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है लिंक, आप उसको भर सकते हैं। ईमेल पर आपसे कॉन्टैक्ट कर लिया जाएगा। आप चाहें तो इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं, साथ ही साथ आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं हीलिंग प्लस 777 को। तो आइए देख लेते हैं कि सन 2020 कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि के लिए किस तरह का गया है, किस तरह का बीता है और क्या क्या सिखा कर लोगों को जा चुका है। द डेविल का कार्ड है आप लोगों का पहला। तो सबसे पहली बात तो यही बताता है कि किसी न किसी तरह के बंधन में आप बंधे हैं, किसी न किसी तरह की रिलेशनशिप का बहुत इफेक्ट रहा है, यानी कि कोई ऐसी चीज़ आपकी लाइफ में हुई या कोई ऐसा रिलेशन आप लोगों की लाइफ में आया जिसमें आप लोगों ने अपने आप को या तो बहुत बंधा हुआ महसूस किया या आपको ऐसा लगा कि आप उस चीज़ से आगे बढ़ नहीं पा रहे। एक पजेसिवनेस वाला वाले रिलेशन की बात करता है यहाँ पे ये कार्ड। लेकिन साथ साथ देखिए यहाँ पे इस तरह की चीज़ें हुई कि या तो आपने उन चीज़ों में से देखिए बाहर निकल के कुछ चीज़ों का अंत किया है। कार्ड यहाँ पे कुछ इस तरह से बता रहे हैं क्योंकि तो नाइट नाइट के कार्ड हैं। तो देखिए कभी आपने अपने आप को डिफेंड किया है, कभी आपने अपने लिए एक एनर्जी बनाई है, यानी कि कुछ सर्वाइव करने के लिए आपको बहुत स्ट्रेंथ लगानी पड़ी है। ऐसा हो सकता है कि गुस्से में आपके आपसे भी कुछ ना कुछ गलत हुआ हो, लेकिन यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अपने लिए अपने आप को बचाने के लिए बहुत कुछ आपको करना पड़ा है। मोरालिटी का कार्ड है तो अगेन ये कार्ड यही बता रहा है कि दिमाग आपका बहुत चला है, यानी कि बहुत आपको अपने एक आंधी तूफान जैसा आपका जीवन रहा है ये सन 2020। इसमें आपका माइंड जो है बहुत हाइपर एक्टिव एक्टिव रहा है। मास्टरी का कार्ड है तो द मास्टर का कार्ड है तो ये बता रहा है कि आपने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को अपने कंट्रोल में लिया है, यानी कि कुछ लोग आपकी लाइफ को कंट्रोल करते थे या कुछ इवेंट आपकी लाइफ को कंट्रोल करते थे, उनमें से आपने निकलकर एक बहुत सुंदर काम किया है कि आपने अपनी लाइफ का बैलेंस बनाया है या फिर उस चीज़ में रहते हुए भी आपने एक बैलेंस क्रिएट किया है। यहाँ पे इस तरह से दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ पहले किसी के साथ बंधी हुई थी लेकिन आप शायद उसमें से आपने कुछ इस तरह का डिसीजन लिया जिससे कि आप उस परेशानी से या उस पजेसिवनेस से या उस बंधन से आप बाहर निकलने पूरे पूरी तरह से निकले। द एम्प्रेस का कार्ड है, बहुत सुंदर कार्ड है। देखिए कार्ड बता रहा है यहाँ पे एबंडेंस की बात करता है, किस ना किस तरह की बर्थ की बात करता है, तो वो आइडिया भी हो सकता है, बेबी का बर्थ भी हो सकता है और अपनी केयर करने की बात भी यहाँ पे बताता है। जब चीज़ें आपके लिए अच्छी होती हैं और वो चीज़ें आपके खुद के द्वारा क्रिएट की गई होती हैं। अवेकनिंग का कार्ड है यहाँ पे, तो देखिए ये कार्ड ये बता रहा है कि जो भी आपकी लाइफ में चीज़ें हुई उनमें आपने कोशिश यही की कि आप उनको दूसरे तरीके से देख सकें या उन चीज़ों को आप हैंडल कर सकें। अगर आपकी लाइफ में उस टाइम कुछ ऐसा हुआ भी कि आपको कुछ देर के लिए एक सेटबैक लग गया या किसी कोई चीज़ आपकी रुक गई, आगे उसमें ग्रोथ नहीं हुई, तो भी आपने उस चीज़ में हार नहीं मानी, आपने उस चीज़ में आगे बढ़ने की ही कोशिश की, आपने पूरी कोशिश की कि आपके लिए चीज़ें सही हो जाए। एट ऑफ अर्थ का कार्ड है तो आपने अपने फाइनेंसिस की भी यहाँ मुझे दिखाई दिया कि बहुत मेहनत की है अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, यानी कि अपनी लाइफ में अपने फाइनेंसिस को ठीक करने के लिए, मनी मैटर को ठीक करने के लिए, अपने कैरियर को ठीक करने के लिए आपने बहुत ज़्यादा यहाँ मेहनत की है, आपने बहुत ज़्यादा यहाँ एफर्ट्स दिए हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। चीज़ें आपके फेवर में ज़रूर हुई हैं क्योंकि आपने कुछ चीज़ें सीखी भी हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। अगर ऐसा हो तो ज़रूर बताइए, अगर आप बताना चाहें तो, कि आप में से कुछ लोग इस तरह का दिखाई दे रहा है कि आप में से कुछ लोगों ने ना कुछ रिलेशंस ख़त्म किए हैं अपनी लाइफ में, कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन ख़त्म किए हैं और शायद अपनी लाइफ की जर्नी दोबारा स्टार्ट की है। अगर ऐसा नहीं हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है तो ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ रेजोनेट हो वो आप ले लीजिएगा, जो ना हो उसे जाने दीजिएगा। सोलमेट का कार्ड है तो देखिए कहीं ना कहीं आप अपने सोलमेट से मिले, यानी कि एक रिलेशनशिप आपका सोल के लेवल पे डेवलप भी हुआ है यहाँ किसी पे, क्योंकि कैप्रिकॉन तो बहुत सारे हैं, है ना, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप की बात कर रहा है ये कार्ड, तो कहीं ना कहीं आपके पास से भी यहाँ कोई इंसान आपकी जरूर आया होगा या उन लोगों से आपके कोई रिश्ते रहे होंगे इस तरह के जो कि पास्ट लाइफ से रिलेटेड होंगे। डिसेप्शन का कार्ड है अगेन, जैसे कि मैं आपको यहाँ बता रही थी, कोई ना कोई धोखा, कोई ना कोई आपके साथ गलत चीज रिलेशनशिप में यहाँ मुझे होती हुई दिखाई दे रही है, किसी ने धोखा किया है। और यहाँ मुझे ऐसा तो नहीं लग रहा है कि
आपने किया है, लेकिन ऐसा हो सकता है यहाँ पे कि आपने धोखा नहीं किया हो किसी के साथ, आपने कुछ प्रिटेंड किया हो। यानी कि जरूरी नहीं है कि जब डिसेप्शन का कार्ड आए तो धोखा मिले। कई बार हम चीज़ों को ठीक करने के लिए भी अपने ऊपर एक झूठा मास्क चढ़ा लेती हैं ताकि चीज़ें उतनी ख़राब ना लगें लोगों को जितनी की वो हैं। प्रेयर वक्त यानी कि आपकी अगर हेल्थ में कोई प्रॉब्लम हुई होगी तो आपने ज़रूर ऊपर वाले से प्रेयर की होगी कि वो आपको उस चीज़ से निकाल दे, और वो आपके प्रेयर वर्क भी करी, यानी कि उन चीज़ों में आपके लिए ठीक भी हुआ। चिल्ड्रन कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहे, आप लोगों की हेल्थ की लाइन में, आप लोगों की आपके हेल्थ के एरिया में चिल्ड्रन कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं। हो सकता है कुछ बच्चों के कारण भी, जो लोग बच्चों के साथ जुड़े हैं, हो सकता है कुछ बच्चों के कारण भी आप सहन करते हों। मेडिटेशन का कार्ड है, तो अगर आप लोगों ने ऐसा किया है तो बहुत अच्छी बात है कि मेडिटेशन का कार्ड है, तो ये बता रहा है कि आपने कहीं ना कहीं अपनी जो जो इनर स्ट्रेंथ थी उसको बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया है। यहाँ मैं एक बात ज़रूर आप लोगों को बताना चाहूँगी कि बहुत इंपॉर्टेंट साल रहा ये आप लोगों के लिए, क्योंकि इसमें आप लोगों के 3-4 मेजर अरकाना के कार्ड आए हैं जो कि बड़ी घटनाओं को बताते हैं। यानी कि कुछ ना कुछ आपने ऐसा यहाँ पे सहा है जो कि आपकी लाइफ में बड़ा था, लेकिन आपने उसमें बहुत अच्छे से स्टैंड लिया, बहुत अच्छे से बैलेंस आपने करने की पूरी कोशिश की और काफ़ी हद तक आपने किया भी। तो ये तो एक आप लोगों का रिव्यू था सन 2020 का। आइए देख लेते हैं सन 2021 का, एक आउटलुक ले लेते हैं कैसा जाएगा। तो आइए देख लेते हैं सन 2021 कैसा जाने वाला है कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि का। किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया है, तो बहुत ज़्यादा बैलेंस की बात करता है, यानी कि अपने इमोशंस पे कंट्रोल की बात करता है कि आपका अपने इमोशंस पे बहुत अच्छे से कंट्रोल रहेगा, आप उसको बैलेंस करके चलेंगे। इमोशनल फील्ड में किसी चीज़ की होने की शुरुआत, किसी चीज़ के स्टार्ट होने की बात कर रहा है। का टू ऑफ कप्स का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं आप लोगों की शादी भी हो सकती है, कोई पार्टनर भी आप लोगों की लाइफ में आ सकता है ऐसा दिखाई दे रहा है। कुछ बिगनिंग हो सकती है और कुछ चीज़ों की आप शुरुआत कर सकते हैं। कोई सोलमेट रिलेशनशिप की बात भी कर रहा है ये कार्ड, ये बता रहा है कि आपके सोलमेट आपकी लाइफ में आ सकते हैं अगर आप कोई रिलेशन नया बनाने जा रहे हैं। तो बहुत ही खूबसूरत कार्ड आया है, सिक्स ऑफ वांड्स का कार्ड है। तो देखिए ये कार्ड तो बता रहा है कि आप में से कुछ लोगों की शादी भी हो सकती है। और अगर हम बात करें अदर चीज़ों की, तो ये कार्ड यहाँ पे ये भी बता रहा है कि बहुत सारी चीज़ें आप अगेन बैलेंस करने वाले हैं, कुछ चीज़ों के को करने के लिए यात्रा भी करने वाले हैं। और ऐसा भी हो सकता है आप में से कुछ लोगों की अगर शादी हो रही हो तो वो सेम आप लोगों की सिटी ना हो सकता है, आपको दूसरे शहर में करने जाना पड़ रहा हो। इंटीग्रेशन का कार्ड आया है, तो ये कार्ड देखिए ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं एक बैलेंस बनाकर अगेन चलने की ज़रूरत होगी आपको। एक काम एटीट्यूड आप लोगों को अपनाना होगा, एक मिडल पाथ अपनाना होगा। किसी भी चीज़ को जल्दबाजी में करने से वो आपका ही नुकसान होगा, इसलिए लाइफ में कोई भी डिसीजन आप लेने वाले हों तो उसमें आपके लिए पेशेंस बहुत ज़रूरी है। द लवर्स का कार्ड आया है, तो ज़रूर कोई ना कोई आप लोगों की इमोशनल फील्ड में अच्छी शुरुआत होने वाली है। ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की लाइफ में अगेन शेयरिंग का कार्ड आ गया। तो देखिए ये कार्ड यहाँ पे ये बता रहा है, सबसे पहली बात तो यहाँ पूरी कर देते हैं कि आप लोगों की लाइफ में ऐसा लग रहा है कि इमोशनल फील्ड में कुछ ना कुछ शुरुआत होगी। शेयरिंग की बात कर रहा है, तो कोई ना कोई इंसान आपकी मदद करेगा, कोई ना कोई लाइफ में ऐसा इंसिडेंट होगा जिसमें कि आपको लोगों के द्वारा हेल्प मिलेगी और खुद आप उस कंडीशन में रहेंगे। यानी कि आपकी लाइफ में इस तरह का समय आएगा सन 2021 में, चाहे आप मेल हो या फीमेल वो मैटर नहीं करता है। आप लोगों की लाइफ में वो समय आएगा जब आप अपने इमोशंस को कंट्रोल भी करेंगे और आप उस लाइक बनेंगे कि जब आप लोगों की मदद भी कर पाएंगे। नाइन ऑफ फायर का कार्ड आया है, तो अपनी विल पावर को आप स्ट्रांग रखिएगा। यानी कि आपको इस साल में जरूरत पड़ेगी अपनी विल पावर को स्ट्रांग रखने की, यानी कि कहीं भी अपना हौसला नहीं खोना है। जो भी आपकी चीज़ें हैं, आपकी बातें हैं, उनको प्रोटेक्ट करके चलने की ज़रूरत है। अपना जो साहस है उसको बनाए रखिएगा। अगर कोई आपको धोखा भी देता है, अगर कोई आपका कोई नुकसान भी करता है, तो भी आपको अपने ग्राउंड पर अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए, यानी कि अपनी चीज़ों को प्रोटेक्ट करके चलना चाहिए। आपके लिए दो बार आ गया है क्वीन ऑफ फायर का कार्ड, तो देखिए ये चीज़ें बता रहा है कि अपने पर ट्रस्ट कीजिए, चीज़ों में अपना जो एक कॉन्फिडेंस है उसको आपको बनाए रखना है। जो भी चीज़ें हैं, अपनी इंडिपेंडेंसी, अपनी क्रिएटिविटी, उसको बनाए रखना है। यानी कि अपने आप को कम करके नहीं आंकना है, आपको अपने आप को आगे लेके ही जाना है, पीछे नहीं रोकना है। और ऐसा दिखाई दे रहा है अभी तक जो कार्ड आए हैं, ये कार्ड तो बहुत खूबसूरत कार्ड आए हैं आपके, एक बहुत अच्छे बैलेंस की बात कर रहे हैं। रिन्यूअल का कार्ड है, तो देखिए कहीं ना कहीं चीज़ों को एक लेकर एक रिव्यू आपको करना पड़ेगा। यानी कि जो भी आपकी लाइफ में चीज़ें हो रही होंगी उसमें आपको थोड़ा सा चेंज लाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये मेजर अरकाना का कार्ड है अगेन, तो मेजर अरकाना के कार्ड जब आते हैं तो ये लाइफ में होने वाली बड़ी घटनाओं के बारे में बात करते हैं। तो अभी तक आपके यहाँ पे 3 मेजर अरकाना के कार्ड आ चुके हैं, तो इसका मतलब अगेन ये बात कर रहे हैं कि किन्हीं बड़ी घटनाओं की होने की, किन्हीं बड़ी चीज़ों की होने की, जिनमें कि आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कोई बड़ा, लेकिन वो आपके अच्छे के लिए होगा। ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग अपने पास्ट के किसी पार्टनर के साथ में एक रिलेशनशिप को दोबारा शुरू करें,
दें, या ऑलरेडी अगर आप किसी शादीशुदा जीवन में हैं या किसी पार्टनर के साथ में हैं, तो उनका रिश्ता आपके साथ एक नए लेवल पे दोबारा शुरू हो। फ्रेश एयर का कार्ड है, तो आप में से कुछ लोगों को जरूरत पड़ेगी खुली हवा में जाने की, अपने आप को बैलेंस करने की, ताजी हवा लेने की। डिवाइन देखिए, यहाँ आपके चीज़ों में डिवाइन भी दखल देगा, यानी कि अगर आप अपनी चीज़ों में कंट्रोल नहीं करेंगे, अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रखेंगे, तो आपके आपको बार बार इस चीज़ के लिए प्रेरित किया जाएगा। डू मोर रिसर्च का कार्ड है, तो देखिए आपकी लाइफ में अगर कोई भी प्रॉब्लम हेल्थ रिलेटेड होती है, तो उसके लिए आपको अपनी अपनी हेल्थ को ठीक करने के लिए थोड़ी सी रिसर्च करनी चाहिए। क्या चीज़ आप खा रहे हैं, किस तरह की चीज़ आप कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें किस किस तरीके से आप उनको ठीक कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको एक बात ये भी बोलना चाहूँगी कि आपकी हेल्थ से रिलेटेड या आपके फाइनेंस से रिलेटेड जो भी बड़ी चीज़ें हैं, या लीगल मैटर्स हैं, या डॉक्टर वाले मैटर हैं, उसमें आपको टैरो कार्ड्स के भरोसे नहीं रहना चाहिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आपको उन लोगों से संपर्क करना चाहिए, उन लोगों से कॉन्टैक्ट करना चाहिए जो कि इस क्षेत्र में लाइसेंस रखते हैं, यानी कि जिनको अधिकार है इस क्षेत्र के अंदर बताने का, जिनको नॉलेज है ना। तो यहां सिर्फ आपको गाइड किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए इसके ऊपर आप कोई डिसीजन नहीं लीजिएगा बड़ा, ठीक है। फ्लड का कार्ड है, तो देखिए आपको अपनी लाइफ में, अपनी रिलेशनशिप के अंदर ना एक एनर्जी बनाए रखनी चाहिए, यानी कि एक हैप्पीनेस बनाए रखनी चाहिए। अपने पार्टनर के साथ थोड़ा सा फ्लड करना कभी कभी अच्छा है, यानी कि हंसी खुशी वाला आप लोगों को अपना वातावरण बनाए रखना चाहिए। एक्सप्रेस योर लव का कार्ड है, तो कोशिश यही करनी चाहिए आपको कि आपको अपने पार्टनर के साथ में एक हार्मनी बनाए रखनी चाहिए, अपने दिल की बातों को शेयर करना चाहिए ताकि दिल की बात दिल में ना रहे। देखिए यहाँ पर इस तरह से दिखाई दे रहा है कि इस रिलेशनशिप में उतनी केमिस्ट्री अभी नहीं है, या जिनके साथ आपका रिश्ता बनेगा शायद उतनी केमिस्ट्री ना हो, लेकिन समय के साथ अगर आप अपना एक्सप्रेस करते हैं लव, या थोड़ा सा आप उसमें फ्लर्ट करते हैं, यानी कि एक हंसी खुशी वाला वातावरण क्रिएट करते हैं, तो चीज़ें आपके लिए ठीक हो सकती हैं। क्योंकि टैरो कार्ड रीडिंग्स जो होती हैं, ये गाइडेंस के लिए होती हैं, ये फिक्स्ड नहीं होती। आपकी एनर्जी चेंज होगी, आपके डिसीजंस चेंज होंगी, तो आपकी रीडिंग भी चेंज हो जाएगी। लेकिन अगर ओवरऑल की बात करें, बहुत सुंदर कार्ड हैं, कोई इतनी ऊंच नीच की बात नहीं कर रहे हैं, बहुत प्यारे कार्ड आए हैं। और बस आपको अपने ग्राउंड पर स्टैंड लेना होगा, यानी कि कोई ना कोई चीज़ अगर आपकी लाइफ में ऐसी होती है जिसमें आपको लगता प्रॉब्लम है, तो आपको उसमें अपने लिए एक स्ट्रांगली खड़ा रहना होगा, अपनी विल पावर स्ट्रांग रखनी होगी। थोड़ा सा इमोशनल रहने वाला है आप लोगों का ये साल, लेकिन जैसा भी रहेगा ये बहुत अच्छा रहेगा। अपनी क्रिएटिविटी को बनाए रखिएगा और अपने बैलेंस को जरूर बना के रखिएगा। तो ये तो आप लोगों का एक आउटलुक था सन 2021 का। आइए देख लेते हैं जनवरी, फरवरी और मार्च का महीना किस तरह का जाने वाला है कैप्रिकॉर्न राशि का। आइए देख लेते हैं जनवरी, फरवरी और मार्च का महीना क्या आप लोगों के लिए न्यूज़ लेकर आ रहा है, किन चीज़ों को आपको इस महीने में करना चाहिए, किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, जिससे कि इस समय का आप भरपूर लाभ उठा सकें। तो द हर्मिट का कार्ड आया है, तो ये कार्ड देखिए यहाँ पे ये बता रहा है कि चीज़ों का आंकलन आपको करना चाहिए, यानी कि थोड़ा सा एनालाइजेशन आपको यहाँ करने की ज़रूरत पड़ेगी, थोड़ा सा अपने साथ समय आपको अकेले में बिताने की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि आप जो कुछ भी करना चाहते हैं उसके लिए आपको शायद थोड़ा सा चीज़ों को सोचने समझने के लिए, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कहीं ना कहीं आपको चीज़ों को सोचना होगा, आपको सच्चाई देखनी होगी, और शायद ही थोड़ी सी आपके लिए पेनफुल भी हो सकती है, यानी कि चीज़ों की सच्चाई देखना आपके लिए थोड़ा सा पेनफुल हो सकता है, लेकिन आपको ज़रूर देखनी चाहिए। और आपको इतना नहीं सोचना चाहिए जितना कि आप इस कार्ड में मुझे सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। जब ये कार्ड आता है तो देखिए ये बताता है कि ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में पेन कम है, ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ का दर्द कम है। ये कार्ड बताता है जब हम चीज़ों को सोच के इतना ज़्यादा सोच लेते हैं कि वो बिल्कुल बहुत ही ख़राब हो जाती हैं, कि वर्स हो जाती हैं, वो चीज़ें जितनी होती नहीं हैं उससे ज़्यादा हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें इतना सोच लिया जाता है, इतनी बार सोच लिया जाता है कि जितना पेन होता रही है उससे कहीं ज़्यादा हम अपनी चीज़ों से क्रिएट कर लेते हैं, अपनी सोच से क्रिएट कर लेते हैं। रिसेप्टिविटी का कार्ड आया है, तो देखिए ये कार्ड यहाँ पर ये बता रहा है कि एक बैलेंस बना रहेगा। आप चाहे आप किसी भी पेन से गुजरें, आप अपनी लाइफ में चीज़ों की नई शुरुआत करेंगे, अपनी केयर करेंगे। एक दौर ऐसा आएगा आपके लिए जनवरी, फरवरी, मार्च में, जिसमें आप थोड़े से हताश निराश जरूर होंगे, लेकिन साथ साथ ये कार्ड ये भी बता रहा है कि चीज़ों को फिर आप छोड़ देंगे, जो चीज़ें जैसी होंगी उनको छोड़ देंगे, आप अपनी केयर करेंगे, अपनी केयर करेंगे, अपना ख्याल रखेंगे, अपने ऊपर ध्यान देंगे। आपके लिए आप थोड़ा सा अपनी जब ध्यान देंगे, तो यहाँ पे कार्ड ये बता रहा है कि आपके लिए चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी, आपके इमोशंस भी बहुत बैलेंस्ड हो जाएंगे, आपकी इंट्यूशन भी यहाँ मुझे स्ट्रांग होती दिखाई दे रही है। इंटेंसिटी का कार्ड है, तो कोई ना कोई ऐसा इंसान हो सकता है देखिए जो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी के साथ में आए और आपको इस तरह का पेन देकर जाए, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। क्योंकि और ऐसा लग रहा है कि कुछ पेन इस तरह का आपको पास्ट में भी मिला है सन 2020 में। द माइजर का कार्ड आया है, तो ये कार्ड ये बता रहा है कि जो भी चीज़ें आप करें उसमें थोड़ा सा कंजूस आपको रहना है, यानी कि अगर आप पैसे खर्च करते हैं तो थोड़ा कंजूसी से कीजिएगा। अगर आप अपने परिवार से दूर हैं या परिवार में किस तरह का वातावरण खराब हो रहा है, तो कोशिश कीजिएगा कि वो अच्छा बना रहे, उसमें एक प्रेम बना रहे। दूसरों को कोशिश कीजिएगा, यहाँ नीचा नहीं दिखाइएगा, यानी कि
अगर आप किसी के लिए कुछ कर रहे हैं तो यहाँ एहसान नहीं जताइएगा, इस बात से कोई इंसान हर्ट हो सकता है या उनको लगेगा कि आप उन्हें कंट्रोल कर रहे हैं। टू ऑफ फायर का कार्ड है तो देखिए ये बता रहे हैं कि कुछ चीज़ें आप अपने आप शुरू करेंगे। न्यू पार्टनरशिप की बात कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट्स की बात कर रहा है, यानी कि जब आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे आप पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहेंगे और आपके लिए लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ भी ऐसी ही क्रिएट होंगी कि कुछ समय के बाद आप अपनी चीज़ों को लेकर आगे बढ़ जाएंगे। क्योंकि बहुत सुंदर कार्ड आए हैं, आपके पेन की बात कर रहे हैं लेकिन उस पेन से बहुत जल्दी निकलने की बात करें। अगेन क्वीन ऑफ वाटर का कार्ड आया है आपके लिए, देखिए एम्पैथेटिक पर्सन की बात करता है, पेशेंस रखने की, लविंग पर्सन की। जो आपके रिलेशनशिप हैं वो भी डेवलप होंगे न्यू लेवल पे, चाहे वो आपके घर वालों के साथ हों, यानी कि प्यार वाले इमोशन जिनमें होते हैं रिलेशंस में वो एक न्यू लेवल पे डेवलप होंगे। अपनी इंट्यूशन पे आपको ट्रस्ट करना है, अपनी केयर करनी है, अपने आसपास के लोगों की केयर करनी है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपके घर में भी जो लोग हों उनकी भी केयर कीजिएगा, या अगर आप किसी के लिए कुछ करते हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बहुत सुंदर कार्ड है सिक्स ऑफ फायर का कार्ड है, तो देखिए विक्ट्री की बात करता है, गुड न्यूज़ की बात करता है, चीज़ों के आगे बढ़ने की बात करता है, ग्रोथ की बात करता है, जब आपको चीज़ों के लिए अवार्ड मिलता है। लेकिन अगेन मैं यहाँ इस कार्ड के साथ सिक्स ऑफ फायर के साथ आपको ये बताना चाहूंगी और याद दिलाना चाहूंगी कि ये आपको याद रखना चाहिए कि ये विक्ट्री आपकी अकेले की नहीं है, इस विक्ट्री को करने में बहुत सारे लोगों का योगदान जरूर रहा होगा। अपनी इंट्यूशंस को सुनिएगा अपने हेल्थ के मामले में कि आपकी इंट्यूशन आपसे क्या कह रही है, उसको इग्नोर नहीं कीजिएगा। यानी कि कुछ खाना है पीना है, किसी तरह की अल्टरनेटिव मेडिसिन का कार्ड आया है तो किस तरह की मेडिसिन चेंज करनी है, किसी डॉक्टर से मिलना है, कोई सेकंड ओपिनियन लेना है, कि कोई एनर्जी हीलिंग लेनी है, जो भी आपकी इंट्यूशंस कह रही हूँ वो जरूर सुनिएगा। ऑर्गेनिक फूड्स का कार्ड आया है तो अपने खाने पीने का जरूर आप ख्याल रखिएगा। ऐसा लग रहा है कि आप अपनी केयर, क्योंकि यहाँ पे आप नाइन ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी में है तो हो सकता है कि आप अपना ख्याल ना रखें, तो कोशिश कीजिएगा कि आप अपने खाने पीने का ख्याल रखें। क्योंकि यहाँ मुझे सेल्फ केयर का दिखाई दे रहा है आपका कार्ड। आपके साथ लाइफ में चाहे कितनी भी बड़ी परेशानी आए या आपको पेन हो, आप उसमें से एक विजेता की तरह निकलेंगे और उन सब चीज़ों को आप कंट्रोल कर लेंगे। तो ये फिर अगेन रिलेशनशिप की बात कर रहा है, यानी कि जो भी रिलेशनशिप आपको पेन अगर दे रहा है तो वो उस रिलेशनशिप में उतनी केमिस्ट्री नहीं है जितनी कि उस रिलेशन को चलाने के लिए जरूरी हो। बाकी देखिए आपका अपना सेल्फ डिसीजन है, वो आप जरूर देखिएगा कैसे रहना। मेक द एफर्ट का कार्ड है तो यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि जिस अगर आपकी किसी रिलेशनशिप में उतनी केमिस्ट्री नहीं है तो ये कह रहा है कि ग्रेट लव इज वर्थ टेकिंग द स्टेप्स यू आर गाइडेड टू टेक, यानी कि अपनी इंट्यूशन का आप जरूर यूज़ कीजिएगा। आपको क्या इंट्यूटिवली गाइड आपकी इंट्यूशन पे ये कह भी रहा है कि अपनी फीलिंग्स को जरूर सुनिएगा। तो अगर आपको लगता है कि आपका रिलेशन वर्थ करता है कि आपको उसमें काम करना चाहिए तो जरूर कीजिएगा। जैसे कि मैं भी आपको बोल रही थी लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़ का कार्ड है, तो देखिए आपको कंट्रोल करने की चीज़ों को छोड़ना होगा, चाहे वो आपके घर के लोग हों, चाहे आपका लाइफ पार्टनर हो या जिसको आप पार्टनर बनाना चाहते हैं, आपका पोटेंशियल पार्टनर हो। अगर आप उनके लिए कुछ कर रहे हैं, अगर आप किसी के लिए भी कुछ कर रहे हैं लेकिन आप उनको एहसान दिखाते हैं या आप उनको उस चीज़ से दबाने की कोशिश करते हैं, कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, तो वो रिलेशन कभी भी काम नहीं करता। कोशिश कीजिएगा कि जनवरी फरवरी मार्च के महीने में आप इस चीज़ को अवॉइड कर सके। ये था जनवरी फरवरी मार्च का कार्ड। लोग आइए देख लेते हैं अप्रैल मई और जून का महीना कैसा जाने वाला है। आइए देख लेते हैं अप्रैल मई और जून का महीना कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि के लिए किस तरह का जाने वाला है, क्या एनर्जी लेकर आ रहा है और क्या उन लोगों को करना चाहिए। हाई प्रिस्टिस का कार्ड है तो आप लोगों को सबसे पहले अपनी इंट्यूशन पे जरूर फोकस करना चाहिए, यानी कि आपकी अंतरात्मा आपसे क्या कह रही है, आपको किस चीज़ के बारे में अवेयर कर रही है, आपको कहीं जाने से रोक रही है, आपको कोई बातें बोलने से रोक रही है, आपको आपके सीक्रेट शेयर करने से रोक रही है, तो आपको जरूर रोकना चाहिए। ये कार्ड यहाँ पे यही बताता है कि आप लोगों को अपने सीक्रेट शेयर नहीं करने चाहिए, अपनी बातें नहीं बतानी चाहिए, अपने भेद नहीं बतानी चाहिए, किसी ना किसी तरह के नुकसान की बात करता है। अगर आप कोई डिसीजन एकदम से लेने जा रहे हैं तो वो लेने से भी आपको बचना चाहिए। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे, तो कुछ ना कुछ क्रिएटिव करने का आप सोचेंगे, लेकिन कोशिश साथ साथ आपकी ये भी रहनी चाहिए कि आप अपनी इमोशंस को थोड़ा सा बैलेंस रखें, क्योंकि अगर आपके इमोशंस बैलेंस नहीं होंगे तो आप मुझे यहाँ कोई अपॉर्चुनिटी मिस करते हुए नजर आ रहे हैं जो कि डिवाइनली गाइडेड है आपकी तरफ, यानी कि कोई ऑफर आ रहा है आपकी तरफ। अगर आप कोई काम करना चाहते हैं, किसी चीज में ग्रोथ करना चाहते हैं, तो यहाँ मुझे ऑफर तो आता हुआ दिखाई दे रहा है लेकिन आप उसकी तरफ से मूव फेर के भी बैठे हैं, तो कोशिश कीजिए का इसके लिए आपको यही करना है जो ये आपका ऑब्स्टिकल है कि आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलना है, उनसे बातचीत करनी है, ताकि एक कांटेक्ट में रहना है लोगों के, जिससे कि आप उनके साथ में रहकर कोई अपॉर्चुनिटी मिस ना करें। कंप्लीशन का कार्ड है तो देखिए ये कार्ड बता रहा है कि कोई ना कोई चीज आपकी कंप्लीट होगी, यानी कि एक सर्कल यहां मुझे कंप्लीट होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ लेसंस हैं जो आपने सीखे हैं या सीख लेंगे आप अप्रैल मई और जून के महीने में, कुछ ना कुछ ऐसा सीखेंगे जो कि आपके लिए बहुत जरूरी होगा। न्यू स्टार्ट की बात करता है, कार्मिक कार्ड है, चीजों के पूरे होने की बात करता है। ये बता रहा है कि लाइफ में सब चीजें आपकी बैलेंस हो जाएंगी और आप चीजों को लेकर एक न्यू स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे गाइडेंस का कार्ड है तो देखिए कार्ड ये बता रहा है कि आपको अगेन टीम वर्क की बात कर रहा है आपके लिए, कि लोगों के साथ रहना आपके लिए बहुत जरूरी है, उनके साथ रहकर ही आपकी ग्रोथ हो सकती है टीम वर्क में। साथ ही साथ अगर आपको कोई चीज सीखनी है तो आप जरूर सीख सकते हैं, अगर आप किसी को कुछ सिखाना चाहते हैं तो जरूर सिखा सकते हैं। फाइटिंग का कार्ड अगेन है, देखिए बार बार ये कार्ड अपीयर हो रहा है आपकी रीडिंग के अंदर, तो आपको किसी ऐसे व्यक्ति से सावधान रहना चाहिए जो कि
बहुत हार्शली बात करता हो, बहुत गुस्से में बात करता हो, एकदम से ही डिसीजन लेता हो, अगर आप इस तरह के इंसान हैं कि आप एकदम से डिसीजन लेते हैं या एकदम से आप कोई भी बात कहते सुनते हैं, तो देखिए आपको कोशिश यही करनी चाहिए कि आप कुछ भी बोलने से पहले अपनी एनर्जी तो आप हाई रखिए, लेकिन किसी को हर्ट नहीं कीजिएगा, और कुछ भी एक्शन लेने से पहले एक बार रिव्यू जरूर कीजिएगा अपनी चीज़ों को। आँख बंद करके आपको डिसीजन नहीं लेना है, ठीक है। ये यहाँ पे एनर्जी बार बार आपके लिए यही बता रही है। थ्री ऑफ वाटर का कार्ड है, तो देखिए सेलिब्रेशन की बात कर रहा है, आप लोगों के लिए वेडिंग हो सकती है, कोई बर्थ हो सकता है, चीज़ों में हैप्पीनेस की बात कर रहा है, सेलिब्रेशन की बात कर रहा है, तो हैप्पीनेस की बात कर रहा है, कोई ना कोई चीज़ अचीव करेंगे, जैसे कि कम्प्लीशन का कार्ड भी है, आप कुछ ना कुछ चीज़ कंप्लीट करने वाले हैं, अच्छी होंगी। सेवन ऑफ अर्थ का कार्ड है, तो आपको अपनी मनी मैटर्स में, अपने फाइनेंसिस के अंदर आपको कुछ ना कुछ चीज़ों के लिए वेट करना होगा। अगर आप किस तरह का कोई क्रिएटिव आइडिया आप अपनाते हैं या कोई प्लानिंग आप करते हैं, तो कोशिश यही कीजिएगा कि वो किसी से शेयर ना करें, लोगों से बात कीजिएगा, लेकिन अपना जो आपका अगला मूव है वो आपको शेयर नहीं करना है, यहाँ पे थोड़ा सावधान रहना है। नाइन ऑफ अर्थ का कार्ड है, यानी कि जो भी चीज़ों के रिजल्ट आपको मिलने हैं वो मिलने में टाइम लगेगा, लेकिन वो आपको मिलेंगे जरूर। ये कार्ड नाइन ऑफ अर्थ का बताता है यहाँ पे कि जब आप लाइफ की लग्जरीज इंजॉय करते हैं, लाइफ में आपकी हैप्पीनेस होती है, और अगर आप कोई काम भी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, तो उसमें सक्सेसफुल होते हैं, इनकी चीज़ें आपके लिए अच्छी होती हैं। अल्टरनेटिव मेडिसिन का कार्ड अगेन आया है आपके लिए, तो कोशिश कीजिएगा कि आप जरूर ध्यान दें कि आपकी हेल्थ किस चीज़ की तरफ आपका ध्यान मांग रही है। अनकंडीशनल जॉय का कार्ड आया है, तो देखिए कार्ड बता रहा है कि चीज़ों में इंजॉय करने की कोशिश कीजिए, आपकी लाइफ में आसपास में जो भी चीज़ें हैं उनको अप्रिशिएट कीजिए, यानी कि ग्रेटिट्यूड दीजिए। और अगर आप किसी अपनी हेल्थ के मामले में आप किसी बात को लेकर सोच रहे हैं कि आपको कुछ करना है या आप किस चीज़ को लेकर डाउट कर रहे हैं, तो उसका जवाब है येस, यानी कि जो आप सोचेंगे उस टाइम पे अप्रैल मई और जून के महीने में, वो आप सही सोच रहे होंगे, सही गाइडेड हो रहे होंगे, तो ज़रूर हेल्थ के मामले में आप देखिएगा कि आपको क्या करना है। अगर हम रिलेशनशिप की बात करें, तो सेपरेशन का कार्ड आ रहा है यहाँ पे, जो बार बार नाइट ऑफ सोर्ड्स आपकी रीडिंग में अपीयर हो रहा है, तो ये किसी न किसी ऐसे पर्सन की बात कर रहा है जो कि थोड़ा सा रफ एटीट्यूड रखते हैं, थोड़ा सा ईगो रखते हैं, और नुकसान भी देने में पीछे नहीं हटते। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके साथ पास्ट में कुछ ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर के साथ में आपकी कोई हाथापाई भी हुई हो, या उनके साथ में कोई झड़प हुई हो, या होती रहती हो, इस तरह का रिलेशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगेन ये कार्ड बात कर रहा है कि अट्रैक्शन नहीं है रिलेशन के अंदर उतना जितना कि होना चाहिए, यानी कि शायद आपके अपने पार्टनर से किसी ना किसी लेवल पे यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि बन नहीं रही है, बार बार एक अलगाव हो जाता है, बार बार शायद ब्रेकअप होता है, चीज़ें होती हैं, ठीक होता है, डिसेप्शन होता है, लेकिन यहाँ कार्ड बात कर रहा है न्यू लव की, यानी कि कोई ना कोई न्यू इंसान आपकी लाइफ में आने वाला है अप्रैल मई और जून के महीने में, चाहे आप मेल हैं या फीमेल। यहाँ मैं आपको एक बात के लिए अवेयर करना चाहूँगी कि नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड अक्सर जब अपीयर होता है रीडिंग के अंदर, और अगर कोई लव की बात करें, न्यू लव की, तो आपको अपने दिल को संभाल के रखना चाहिए, यानी कि जिस इंसान के साथ आप रिलेशन बना रहे हैं, मैटर ही नहीं करता कि वो मेल है या फीमेल है, या आप हैं मेल या फीमेल देख रहे हैं, आपकी लाइफ में जो भी आपका पार्टनर आएगा वो आपको हर्ट करने से नहीं चूकेगा, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। इसलिए एक ना लॉजिकल माइंड से वो पर्सन आपको डील करेगा, तो ज़रूर देखिएगा कि किस तरह का है आपका पार्टनर, और क्या उसके साथ वो रिलेशन बनाना चाहिए कि नहीं, क्या उसके साथ एक अट्रैक्शन, छोड़ दीजिएगा, एक केमिस्ट्री आपकी बन रही है या नहीं, ये जरूर देखिएगा। तो ये तो अप्रैल मई और जून के महीने की बात थी, आइए देख लेते हैं जुलाई अगस्त और सितंबर का महीना कैसे जाने वाला है आप लोगों का। आइए देख लेते हैं जुलाई अगस्त और सितंबर का महीना किस तरह का जाने वाला है आप लोगों का, क्या मैसेजेस आप लोगों के लिए आ रहे हैं। टेन ऑफ कप्स का कार्ड है, तो देखिए चीज़ों की कंप्लीट होने की बात करता है, हैप्पीनेस की बात करता है इमोशनल फील्ड में, यानी कि कुछ ना कुछ आप लोगों का कंप्लीट होगा, कुछ ना कुछ आपका कंप्लीट जरूर होगा, और एक इमोशनल फील्ड में हैप्पीनेस की बात कर रहा है, लेकिन आप लोगों के ऊपर ना थोड़ा सा बोझ ज़्यादा रहेगा, यानी कि आप लोगों को चीज़ें शेयर करनी चाहिए इन महीनों में, यानी कि जुलाई अगस्त और सितंबर के महीने में आपको कुछ ना कुछ चीज़ों को शेयर करना चाहिए। अगेन बात कर रहा है यहाँ पे विक्ट्री की, यानी कि काम में आपको विक्ट्री मिल सकती है, आपकी फैमिली लाइफ में आपको विक्ट्री मिल सकती है, जिन लोगों की शादी के लिए वेट कर रहे हैं उनमें से कुछ लोगों की शादी भी हो सकती है, यहाँ पे आप लोगों को चीज़ें जरूर शेयर करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जुलाई अगस्त और सितंबर के महीने में आप चीज़ों का बोझ बहुत ज़्यादा अपने कंधों पर ले लेंगे, या जिम्मेदारियाँ आपके ऊपर इतनी आ जाएंगी कि उनके बोझ तले आप दब जाएंगे, तो अपने विजन को थोड़ा सा क्लियर करने की ज़रूरत है, अपना फोकस बढ़ाने की ज़रूरत है, और टीम वर्क में यानी कि लोगों के साथ चीज़ें शेयर करने की ज़रूरत है, यहाँ आपको बांट के काम करना चाहिए, ताकि सारा बोझ अकेले आपके ऊपर ना पड़े और ना ही आप उस बोझ की तले दब जाए। अवेयरनेस का कार्ड है, तो चीज़ें बहुत अच्छे से होंगी, यानी कि चीज़ों के अच्छे होने की बात कर रहा है, फुलफिलमेंट की बात कर रहा है, एक हैप्पीनेस की बात कर रहा है, चीज़ों के बैलेंस होने की बात कर रहा है, अवेयरनेस की बात कर रहा है, बहुत सुंदर कार्ड है। और अगेन ये एट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, तो देखिए अगेन ये कार्ड बता रहा है कि चीज़ों में आप मेहनत करेंगे, यानी कि जो भी मेहनत आप करेंगे वो आप अपनी जो भी अचीव आप करेंगे वो अपनी मेहनत से आप कमाएंगे, जो विक्ट्री होगी वो आपकी मेहनत की होगी, यहाँ पे आपकी मेहनत होते हुए साफ दिखाई दे रही है, तो
आपको यही करना चाहिए कि बस अपने बोझ को शेयर करना चाहिए, क्योंकि आप मुझे टीम वर्क में काम करते हो यहाँ ज़्यादा नजर आ रहे हैं। द माइजर का कार्ड है, अगेन पैसों को ज़्यादा खर्चने से पहले जरूर सोचिएगा, जरूर देखिएगा कि पैसों को खर्चने में आप सावधानी बरत रहे हैं, इस चीज़ का जरूर ध्यान रखिएगा। और अगेन वही बात मैं आपसे बोलूँगी कि जिन लोगों के साथ भी आप डील कर रही हैं, जिन लोगों को पैसे से हेल्प कर रही हैं या घर में भी, उनको कंट्रोल करने की कोशिश नहीं कीजिएगा। क्वीन ऑफ अर्थ का कार्ड है तो और क्या चाहिए, किंग भी आ गई, क्वीन भी आ गई, बेहद सुंदर कार्ड है। यानी कि जो भी चीज़ें आप करेंगे, एक सेंसिबल अप्रोच आपको लेनी चाहिए। आपकी जो भी डीलिंग्स होंगी, यानी कि जो भी आप काम करेंगे, जो भी आपको प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, आप करियर में आपकी जो भी चीज़ें हो रही होंगी चाहे बिजनेस में, थोड़े से चैलेंजिंग हो सकते हैं आपके लिए, लेकिन बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग में आप उसको कंप्लीट करते हुए मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। द लवर्स का कार्ड है अगेन, तो इंटीमेट रिलेशनशिप्स की बात कर रहा है ये कार्ड। ये बता रहा है कि चीज़ें आप लोगों के लिए ग्रोथ करेंगी, लेकिन अगर आप लोगों को जो भी आपके डिसीजंस आप लें उस रिलेशन के लिए, आपको केयरफुली रिव्यू करना चाहिए। यानी कि दो बार सोचने के बाद ही आपको किसी डिसीजन को यहाँ पे फाइनल करना चाहिए, तब वही आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। कोशिश यही कीजिएगा कि आप अपनी इंट्यूशन पे फोकस करें, लेकिन साथ साथ अपनी इमोशंस को बैलेंस करके ही किसी रिश्ते में आप डिसीजन लें। एट ऑफ फायर का कार्ड आया है, तो देखिए ये कार्ड यहाँ पे बता रहा है कि बहुत सारी चीज़ें आपके लिए ना बहुत जल्दी होंगी। यानी कि ये फास्ट पेस की बात करता है, चीज़ों के रफ्तार में होने की बात करता है। ये बताता है कि जब आपकी चीज़ों में जो डिलेज हो रहे होते हैं वो ओवर हो जाते हैं, चीज़ें आपके लिए एक ही बार में सारी की सारी स्टार्ट हो जाती हैं या होने लग जाती हैं। तो कोशिश आपको यही करनी है कि जो भी आप चीज़ें करना चाहते हैं या आप कर रहे हैं, बस उनमें एक बार एक रिव्यू जरूर कर लीजिएगा कि आपके लिए क्या चीज़ें ठीक हैं या नहीं। डाइट इज़ इंपॉर्टेंट है, यानी कि अपने खाने पीने का ध्यान रखिएगा। आपके आपका ऐसा लग रहा है कि पूरे साल भर में आप अपने खाने पीने का ध्यान नहीं रखेंगे। अगेन चिल्ड्रन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे इस साल के अंदर। आपकी हेल्थ भी शायद बच्चों से रिलेटेड रहेगी, यानी कि अगर आपके बच्चे हैं तो उनकी उनकी वजह से भी आप थोड़े बहुत यहाँ मुझे परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि उनकी खुशी शायद आप लोगों के लिए, उनका ठीक रहना आप लोगों के लिए यहाँ ज़्यादा मायने रखेगा। साथ ही साथ अगर हम एक अलग वे में बात करें तो अपने आप को बच्चों की तरह खुश रखिए, यानी कि जैसे बच्चे खुश रहते हैं वैसे रहिए, वैसे ही खाइए पिए और खाइए और पीजिए और अपने आप को एक हेल्दी वे में रखिए, यानी कि हल्के फुल्के मोड में रखिए। हाइड्रेशन का कार्ड है, तो आपको अपने पानी को जरूर चेक करना चाहिए, इनकी कितना पानी आप पी रहे हैं कितना नहीं पी रहे हैं, इस चीज़ के लिए आपको थोड़ा सा अवेयर रहना जरूरी है। हनीमून का कार्ड है, तो शादी का कार्ड यहाँ पे है, तो हनीमून का कार्ड भी आ गया है। तो कुछ ना कुछ लोगों की शादी यहाँ पे मुझे होती दिखाई दे रही है। एक अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे, अगर हनीमून पे नहीं भी जाएंगे तो एक अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए आप मुझे दिखाई दे रहे हैं। यू डिजर्व लव, यानी कि आपकी लाइफ में देखिए वही रिव्यू की बात है। लवर्स का कार्ड आया था, तो ये कार्ड बता रहा है कि जरूर रिव्यू कीजिए, लाइफ में हो सकता है चीज़ें आपके लिए अच्छी हो जाए। रिलीज योर एक्स, आपके अपने पार्टनर के साथ में जो भी पास्ट के अंदर प्रॉब्लम्स रही हैं, जो भी उन चीज़ों का आपकी लाइफ में इफेक्ट रहा है, उन चीज़ों को आपको रिलीज करना है। यहाँ पे ये सारे कार्ड ये बता रहे हैं कि पुरानी एनर्जी को आप रिलीज कर दीजिए, जाने दीजिए उन सारी एनर्जीज को जिन्होंने आपको स्टक कर रखा है। और अपने लाइफ में जैसे कि न्यू लव का कार्ड आया था, न्यू लव का कार्ड आया है, तो अपने पास्ट को, अपनी पास्ट की जितनी भी एनर्जीज हैं उनको आपको यहाँ पे हटाने की जरूरत रहेगी। तो ओवरऑल तो ये आपका आउटलुक था 1 जुलाई अगस्त और सितंबर का। ये देख लेते हैं अक्टूबर नवंबर दिसंबर का महीना आप लोगों के लिए क्या लेके आ रहा है। आइए देख लेते हैं अक्टूबर नवंबर और दिसंबर का महीना कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि वालों के लिए किस तरह का रहने वाला है। तो 6 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, तो चीज़ें तो आप लोगों के लिए हैप्पीनेस लेके आ रही हैं, यानी कि आप अपनी पास्ट की चीज़ों से हैप्पी भी हो रहे हैं, उनको प्रेजेंट में भी ला रहे हैं और उनको फ्यूचर में भी ले जा रहे हैं। साथ ही साथ ये कार्ड देखिए पास्ट से कुछ लोगों के वापस आने की बात करता है, चाहे वो आपके दोस्त हों, चाहे आपकी हैप्पी मेमोरीज हों या आपकी लाइफ में कोई आपका रिलेशन हो। साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ों को कंप्लीट करना चाहेंगे आप चाहेंगे कि आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएं और हैप्पी मोड में आप रहें, ये चीज़ें मुझे यहाँ दिखाई दे रही हैं। 9 का कार्ड आया है, इनके हर्मिट का कार्ड आया है, तो देखिए यह यहाँ पे बता रहे हैं कि जो भी चीज़ें आप पाना चाहते हैं उन चीज़ों को लेकर आपको अपनी सच्चाई जरूर देखनी चाहिए और साथ ही साथ जो भी चीज़ें आप लाइफ में अचीव करना चाहते हैं उसके लिए ग्राउंड बेस पे कुछ कीजिए। यानी कि सिर्फ बातों से आपका काम नहीं बनेगा, उसको अगर आप एक्शंस में लेके आएंगे, यानी कि कोई ना कोई कदम आप उठाते हैं तभी उन चीज़ों को आप अचीव कर पाएंगे, तभी उन चीज़ों को पा सकते हैं। ट्रैवलिंग का कार्ड आया है, तो देखिए अगेन ये कार्ड बता रहा है कि आपकी बहुत सारी चीज़ें पूरी होने वाली हैं, लेकिन उनको एक वॉच करने की ज़रूरत है आपको कि आप क्या चीज़ चाह रहे हैं, क्या चीज़ आप कंप्लीट करना चाहते हैं। फ्रेंडलीनेस का कार्ड आया है, तो देखिए दोस्त इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके, आप लोगों के लिए एक हार्मनी आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है अपने लोगों के साथ में। एक पार्टनरशिप जो आप लोगों के आपकी अपने पार्टनर के साथ में एक दोस्ती होनी भी उसमें बहुत ज़रूरी है। आइसोलेशन का कार्ड है, तो कोई ना कोई चीज़ आप लोगों के लिए दर्द का कारण यहाँ मुझे बनती हुई दिखाई दे रही है और साथ साथ ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि पास्ट के कोई लोग
कोई लोग आ सकते हैं जिनकी वजह से आप इस तरह का हर्ट हो सकते हैं या आपको इस तरह का पेन हो सकता है। साथ साथ थ्री ऑफ वाटर का कार्ड आया है तो थर्ड पर्सन की एनर्जी की बात करता है ये कार्ड, लेकिन सेलिब्रेशन की बात भी कर रहा है। कोशिश कीजिएगा कि आप ऐसे थर्ड वाले पर्सन की एनर्जी से आप थोड़ा दूर रहें, लेकिन चीज़ों को सेलिब्रेट करें। वेडिंग की बात कर रहा है अगेन ये कार्ड, चीज़ों के होने की बात कर रहा है, बर्थ की बात कर रहा है, और आप लोगों को बता रहा है ये कार्ड यहाँ पे कि थोड़ा सा हैप्पी रहिए, थोड़ा सा खुश रहने की आपको बहुत ज़रूरत है। यहाँ पे द एम्परर का कार्ड आया है तो चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने की बात कर रहा है, यानी कि थोड़ा सा लॉजिकल होने की बात कर रहा है, डिसिप्लिन से काम करने की बात कर रहा है। इनकी अगर आप अपने सपने पूरे करना चाहते हैं तो थोड़ा सा डिसिप्लिन आपको दिखाना ही होगा, थोड़े से एक्शन आपको लेने ही होंगे, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना होगा जिससे कि आप उन चीज़ों को अच्छे से अचीव कर सकें। और टेन ऑफ अर्थ के कार्ड के साथ ही आपने अचीव कर लिया, यानी कि कार्ड ये बता रहा है कि हैप्पी फैमिली लाइफ की बात कर रहा है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी की बात कर रहा है, और जब चीज़ें आपकी लाइफ में मैजिकल तरीके से ठीक होती हैं उनकी बात कर रहा है। लेकिन उसके लिए आपको एफर्ट लगाना होगा, आपको चीज़ों को रूल रेगुलेशन से चलना होगा जिससे कि आप उन चीज़ों को सही से कर सकें। आपके लिए जो थ्री ऑफ वाटर का कार्ड आया है और अब आया है कार्ड लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, ये दोनों कार्ड बता रहे हैं कि लाइफ में आपके थोड़े से ना फन की कमी रहेगी इन महीनों में, तो थोड़ा सा अपने आप को फन में ले जाइए, हंसी खुशी में ले जाइए, न्यूट्रिशंस का अपने ख्याल रखिए। न्यूट्रिशंस का कार्ड आया है तो देखिए अगेन आपकी डाइट की बात कर रहा है कार्ड, ये बता रहा है आपको कि आपको अपनी डाइट को ठीक करने की जरूरत पड़ेगी। स्ट्रेच का कार्ड आया है तो कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी आपको इन महीनों में करनी चाहिए ताकि आपकी बॉडी से जो भी एक्स्ट्रा एनर्जी है वो रिलीज हो सके। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, यानी कि अगर आपको लगता है कि आपको किसी तरह की कोई दिक्कत है तो आप अपने फ्रेंड्स से बात कर सकते हैं, अगर आपका कोई ग्रुप है या कोई ऐसा इंसान जिससे कि आप अपना दिल शेयर करते हैं, यानी कि ये कार्ड भी फ्रेंड्स का है तो ये बता रहा है कि आपके फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट रहेंगे या वो लोग जिनसे कि आप एक फ्रेंड वाला बिहेव रखते हैं। एंगेजमेंट का कार्ड है तो आप में से कुछ लोगों के लिए कुछ चीज़ों की शुरुआत हो सकती है, कोई नया रिश्ता शुरू हो सकता है, एंगेजमेंट हो सकती है, तो एक हैप्पी मोड में जा सकता है आपका रिलेशन। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, तो अगर आप चाहते हैं कि अपने आप प्रीवियस पार्टनर के साथ ही चीज़ें ठीक करें तो आप उनको एक चांस दे सकते हैं, उस रिलेशनशिप को एक चांस दे सकते हैं। अगर कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है तो कोशिश कीजिए उसको भी एक चांस देने की, आप पुरानी एनर्जी से बाहर निकलने की पूरी कोशिश कीजिएगा। ओवरऑल कार्ड आपके बहुत अच्छे हैं, साल भी आपका यहाँ बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन कोई ना कोई इंसान आपको हर्ट कर सकता है। कोई पास्ट की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कि वो आपका कोई एक्स हो या आपका कोई ऐसे इंसान हो, वो आपकी लाइफ को थोड़ा सा हेल्प करने की कोशिश कर सकता है। लेकिन अगर हम बात करें कि आप कैसे संभलेंगे, आप बहुत अच्छे से संभलेंगे। फाइनेंसिस और कैरियर के मामले में भी आपकी लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। फैमिली वालों को या उन लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं कीजिएगा प्लीज़, जिनकी आप पैसे से मदद करते हैं। स्पिरिचुअलिटी की ग्रोथ आपकी बार बार यहाँ पे होगी। अगर आप इस टाइम पे थोड़े से बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल मुझे नहीं दिखाई दे रहा है कि आप रहेंगे, लेकिन आप बार बार एकांत में जरूर जाएंगे, इनकी चीज़ों का सच देखने की कोशिश जरूर करेंगे। लेकिन आपका फोकस ये साल आपका थोड़ा सा इमोशनल रहने वाला है, इस तरह की एनर्जी ये साल आपका बताता है। आइए देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या डिवाइन मैसेजेस आ रहे हैं। तो आइए देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न राशि वालों के लिए क्या डिवाइन मैसेजेस आ रहे हैं, किस चीज़ का उनको ध्यान रखना चाहिए इस साल में। फ्रेंडशिप का कार्ड अगेन आया है आपके लिए, यानी कि आपके फ्रेंड्स इस साल आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। लोगों से बात करिए, अपना हार्ट शेयर कीजिए, उनके साथ समय बिताइए। अगर आपके फ्रेंड्स आपके साथ कनेक्टेड नहीं है तो आप उनके साथ कनेक्ट होने की जरूर कोशिश कीजिए। ड्रीम्स का कार्ड है, अपने ड्रीम्स पे खास तौर से ध्यान दीजिएगा। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को ऐसे ड्रीम्स आएँ जिनमें आपको बहुत सारी बातें पहले से पता चल जाए, नहीं तो अपने सपनों को पूरा करने के लिए आपको जो रिक्वायर्ड स्टेप उठाने हैं, अगर आप कि हम वैसे बात नहीं करें, इंट्यूटिव सपनों की बात नहीं करें, तो जो भी आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कदम उठाने चाहिए। लिसनिंग की बात कर रहा है अगेन, अपनी न्यूट्रिशन पे फोकस कीजिए, आपको चीज़ों के बारे में पहले से ही पता चलेगा। थोड़ा सा अपनी इनर ग्रोथ करेंगे, यानी कि आप वही चीज़ों का आकलन करेंगे, अपने आप पर फोकस करेंगे, अपनी एनर्जी को हाई करेंगे, तो जरूर आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि आपको डिवाइन गाइडेंस दी जाएगी, लेकिन सुनने का काम आपका ही है। रिट्रीट का कार्ड है तो ये अगेन वही द हर्मिट की एनर्जी को बताता है, यानी कि आप बार बार चीज़ों से अकेलेपन में जाएंगी, यानी कि बार बार आप थोड़े अकेले हो जाएंगे साल में और अपने आप को खुद ही करेंगे, उसमें आप खुशी से करेंगे, क्योंकि चीजों को आपको आकलन करना होगा, उन चीजों को आपको देखना होगा कि वो चीजें कैसी हैं, किस तरह से हो रही हैं और उनकी वास्तविकता क्या है। तो ये था आपका एक पूरा आउटलुक सन 2021 का। होप कि आपके आने वाला जो साल है, ये साल आपका पूरा साल बहुत बहुत अच्छा रहे, इसमें आप बहुत कुछ चीज़ें अचीव करें, आपकी लाइफ में वो सब कुछ हो जो कि आपके लिए अच्छा हो और जो आप चाहते हो, आप और आपका परिवार बहुत खुश रहे, यही मेरी शुभकामनाएं हैं, यही मेरी ब्लेसिंग्स हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसे लगी। थैंक यू सो वेरी मच मेरे चैनल पे आने के लिए। आपका आने वाला साल ये साल बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।